શિક્ષક ની ભરતી એસટી વાળા જો મળતું હોય, તમામ ખાતાકીય બધી ભરતીઓની અંદર મળતું હોય 30% વધારો, કાયમી ભરતી હમણાં તલાટી જુનિયર ક્લાર્કના નિમણ પત્ર આવ્યા, તો શિક્ષક અમે શિક્ષક બનવું એ પણ ગુનો છે. આજે સરકાર પ્રાઇવેટીકરણ કરી અને તમામ સરકારી શાળાઓને બંધ કરી દેવા માંગે છે. જનતાએ હજુ જાગવાનો સમય છે. કાલ સવાર ઉઠીને જો બધી જ ખાનગીકરણ થઈ જશે તો ગરીબ મા બાપનો દીકરો ક્યાં જશે? સરકારને અમે અમારી કોઈ સરકાર પાસે અપેક્ષા નથી. તમે 5 નહીં 10 વર્ષ સુધી તમારો સત્તાપક્ષ રહો. અમારી શિક્ષકોની જે કાયમી માંગ છે ને પૂરી કરો. અમે સાચા હોય, અમે મેરિટમાં આવતા હોય તો તમે લ્યો. 32,000 શિક્ષકોની ઘટ વર્તમાનમાં ખાલી છે. તેમજ 31 વર્ષના પરિપત્રમાં જોવા જઈએ તો 23,000 નિવૃત્ત થયા. બેને મર્જ કરીએ તો 55,000 કરતાં પણ વધારે જગ્યા ખાલી છે. 60,000 ઉમેદવાર છે. 5,000 ઉમેદવાર તો એમને પણ ઓલરેડી નોકરી સરકારી કરતા હશે. તો આટલી જગ્યાઓ ખાલી હોવા છતાં પણ સરકાર કેમ કાયમી ભરતી નહીં કરતી? બધા જ ખાતામાં કાયમી ભરતી થતી તો શિક્ષણમાં કેમ? હું તો કહું છું, અમે 11 મહિનાના કરાર ઉપર લેવા માટે તૈયાર છે. જો એમએલએ એમપી નેતાઓના પદ પણ 11 મહિનાના કરાર ઉપર આવે તો અમે પણ 11 મહિનાનો કોન્ટ્રાક્ટ સ્વીકારવા તૈયાર છીએ. પણ પહેલાં તમારા ખાતાની અંદર કરો, તમારું સુરક્ષા ખાતું મજબૂત કરો છો અને શિક્ષણ પ્રથા છે એ ખુલ્લી કરો છો. કેમ કે આવનારો ભાવિ જે નાગરિક છે એ ક્યારે સરકાર સામે આંગળી ન ઉઠાવે, તો આ માટે થઈને કરે છે સરકાર આખું. અમારી માંગે आपने ये वीडियो देख ली है. ये वीडियो में जो भाई बोल रहे हैं उनका नाम है तेजस मजीठिया. अपने हक के लिए कैसे लड़ा जाता है, अपनी आवाज कैसे सरकार के कानों तक पहुंचाई जाती है, अपने हक अधिकार के लिए कैसे जमीन की धूल फांकी जाती है. कल गुजरात के भावी शिक्षकों ने गांधीनगर में विद्या समीक्षा केंद्र के बाहर इकट्ठा होकर बता दिया. और यकीन जानिए कि जो तेजस मजीठिया थे, सूरज सोनी थे, दिलीप सिंह राजपूत थे और उनके साथ कई ऐसे शिक्षक थे, भावी शिक्षक थे गुजरात के, जो अपने हक अधिकार के लिए लड़ रहे थे, उन्होंने मुझे बताया. एक पत्रकार के दिल को उन्होंने खोल के रख दिया कि अपने अधिकार की लड़ाई जब लड़ते हो, कुछ भी हो जाए, पीछे नहीं हटना है. मैंने देखा सूरज सोनी को, वो लेटे हुए थे ज़मीन पर अपने हक अधिकार के लिए. मैंने देखा दिलीप राजपूत को लेटे हुए थे ज़मीन पर अपने हक अधिकार के लिए. मैंने सुना तेजस मजीठिया को, देखा उनको जब पुलिस उनको पकड़ने आ रही थी, तब भी जुबान पर एक ही बात थी कि गुजरात को चाहिए कायमी शिक्षक, सारे गुजरात को चाहिए कायमी शिक्षक, गांव को चाहिए कायमी शिक्षक, बच्चों को चाहिए कायमी शिक्षक. और अपने हक अधिकार की लड़ाई के लिए वो लड़ रहे थे कल गांधीनगर में. और तब उनके साथ क्या किया गया? 5 सितंबर का वो दिन, 2023 5 सितंबर का वो दिन और कल का वो दिन नहीं भूलेंगे ये लोग. क्या किया गया कल उनके साथ? अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ने को आए थे और मैं गवा रहा हूं कल का. 5 सितंबर को मैं नहीं था उस मौके पर जब इनके साथ उनको घसीटा गया. नेहा राजपूत को जब घसीटा गया था, कृष्णा बहन जैसी एक जाबाज महिला को घसीटा गया था, मैं नहीं था उस वक्त. लेकिन मैं कल था. कल मैंने देखे हैं आंसू उन लड़कियों के, कल मैंने देखे हैं आंसू उन भावी शिक्षकों के जो अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ने को आए थे गांधीनगर में. उनके साथ जो सुलूक किया गया उसको लेकर कल उनके आंखों से आंसू निकल आए. बड़ी तकलीफ हुई मुझे भी और होनी भी चाहिए. मैं पत्रकार हूं तो क्या हो गया, मैं हर चीज को एक विषय के तौर पर या एक सब्जेक्ट के तौर पर नहीं देख सकता. मैं भी एक इंसान हूं और मेरा भी एक दिल है. और इस दिल को कल न जाने कितनी बार मैंने रोका है कि कैमरे के सामने नहीं रोना, क्योंकि मैं एक पत्रकार हूं, एक
तटस्थता से मेरे को एक रिपोर्ट तैयार करनी थी, इसीलिए मेरे दिल को बहुत मनाया है कल कि नहीं रोना है आपको। लेकिन जब मैं आंसू देखता था कृष्णा बहन के, जब मैं आंसू देखता था उस बहन के जो मेरे कैमरा के सामने आकर सरकार को चीख चीख कर ये कह रही थी कि सरकार नहीं सुनाई देती तुमको हमारी चीखें, नहीं दिखाई देते तुमको हमारे आंसू, मैं उस बहन की आंसुओं का भी गवा रहा हूं जो मेरे कैमरा पर कल आकर, क्या उनके आंसू थे यार, क्या उनकी वेदनाएं थी, क्या नहीं सुनते हो तुम, क्या तुमने जो 156 के हेडफोन भिरा लिए हैं उनसे आवाज नहीं सुनाई देती तुमको इन महिलाओं की। चलो मैं समझता हूं कि तुमने कानों में अपने हेडफोन लगा लिए हैं, लेकिन तुम्हारे आंखें तो खुली है ना, क्या नहीं देखते तुम उनके आंसुओं को। यकीन करिए कल मैं जब देख रहा था उन बहनों के आंसुओं को, लगा मुझे कि ये मेरी सगी बहन रो रही है। जब मैं देखता था कल तेजस मजीठिया को रोते हुए, जब मैं देखता था दिलीप सिंह राजपूत को झझूमते हुए, जब मैं देख रहा था कल सूरज सोनी को लड़ते हुए अपने हक अधिकार के लिए, तब मैं सोच रहा था कि लड़ाई हक के लिए और लड़ाई अपने अधिकार के लिए ऐसे लड़ी जाती है। माफ करना थोड़ा सा जज्बाती हूं, एक पत्रकार की भाषा आज नहीं है मेरी, लेकिन होनी भी नहीं चाहिए। जब मैं देखता हूं कि किसी को हक अधिकार मांगने के लिए इतना कल तड़पाया गया, इनको घसीटा गया, उनको घसीटा गया जमीन पर, और अपने हक अधिकार मांगने के लिए वो इकट्ठा हुए थे, कोई गुनाहित प्रवृत्ति करने के बाद वो नहीं आए थे विद्या समीक्षा केंद्र, और फिर भी उनके साथ ये सलूक किया गया। वो कहते हैं कि परमिशन उन्होंने ले ली, दिल पर हाथ रख के बोलिएगा साहब कि अगर आपके पास ये परमिशन लेने आते तो आप उनको दे देते। मैं समझता हूं कि हाइंडसाइड बात करना बहुत आसान होता है, आप कहते हैं कि हम दे भी देते, लेकिन ये आपके पास कितनी बार आए होंगे परमिशन लेने के लिए। जो कल पुलिस के जवान इनको पकड़ रहे थे, मैं उनसे भी ये बात पूछना चाहता हूं, अगर वो देख रहे हैं तो मेरी बात सुनिएगा साहब, मैं जानता हूं कि इस पुलिस की नौकरी पाने के लिए आपने बहुत मशक्कत की होगी, बहुत मेहनत की होगी, सुबह 7 बजे सुबह 5 बजे उठ के आपने दौड़ लगाई होगी, अपनी कितनी भी त्योहारों को आपने त्याग दिया होगा, अपने परिवार के कितने खुशियों के प्रसंग को आपने त्याग दिया होगा, तब जाकर आप पुलिस की इस पोस्ट पर आए हैं। अगर आप एग्जाम भी क्रैक कर लेते, फिजिकल और जो राइटिंग एग्जाम होती है दोनों आप क्लियर कर लेते, और उसके बाद जब कोई भी सरकारी इररिस्पेक्टिव कौन सा पुलिस अधिकारी कौन सी गवर्नमेंट में पोस्ट पर लगा है मुझे नहीं पता, इसलिए मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस की भी गवर्नमेंट हो सकती है, बीजेपी की भी हो सकती है, तब उस वक्त वो सरकार कह देती कि आपको सिर्फ 11 महीनों के लिए नौकरी दी जाती, तब आपके दिलों पर क्या बीतती, जरा सोचिएगा इस बात को। तेजस मजीठिया ने उस वीडियो में आपने जब देखा पहले, उसने कहा है इस बात को कि अगर विधायक और सांसद भी 11 महीने के करार पर आते हैं तो हमको ये नौकरी मंजूर है, हमें नौकरी मंजूर है। ये बड़ी दुख और बड़े कुढ़न के साथ आज आया हूं ये वीडियो शूट करने के लिए, और बड़ी तकलीफ हुई है कल रात को, यकीन करिए कि मैं नहीं बैठ पा रहा था चैन से, बार बार मेरी आंखों में उन बहनों के आंसू आ रहे थे, बार बार लेटा हुआ दिलीप राजपूत मुझे दिखाई दे रहा था, बार बार सूरज सोनी मुझे दिखाई दे रहा था, बार बार तेजस मजीठिया के वो शब्द मेरे कानों में गूंज रहे थे जब उसने कहे थे कि क्यों करार आधारित नौकरी देते हो हमको, हम कोई आतंकवादी थोड़ी हैं, हम कोई गुनाहित प्रवृत्ति करके अपना अधिकार मांगने थोड़ी आए थे, हम किसी के पास भीख मांगने थोड़ी आए थे, हम तो अपने अधिकार की मांग करने आए थे, हम तो अपने हक की मांग करने आए थे, हम तो अपने एग्जाम को क्रैक करके हमारी नौकरी की मांग करने आए थे। लेकिन ये 3 महीनों से ये लड़ाई चल रही है, कभी अपने एमएलए को वो पत्र देते हैं, कभी अपने सांसद को वो पत्र देते हैं, कभी ये कभी वो, कभी सेक्टर, कभी 5 सितंबर को आंदोलन होता है गांधीनगर में, तो बहुत आंदोलन, उसके बाद दांडी यात्रा तक की गई, रिवर्स दांडी यात्रा, उसका गवाह रहा हूं मैं। बहुत से हमारे सीनियर पत्रकार होंगे उस वक्त के जब उन्होंने महात्मा गांधी की उस दांडी यात्रा को कवर किया होगा, लेकिन मुझसे जब पूछेगा कि आपके पत्रकारत्व का वो कौन सा अवसर था जिसको आप नहीं भूलेंगे, तो मैं गर्व से कह सकूंगा, गर्व से नहीं, माफ कीजिएगा, शर्म से कहूंगा कि आजादी बाद भी एक रिवर्स दांडी यात्रा हुई थी, उस दांडी यात्रा का मैं हिस्सा रहा हूं। मैंने देखा है उन शिक्षकों को चलते हुए सड़क पर अपनी मांग लेकर, मैंने देखा है उन शिक्षकों को अपने हक के लिए नारे लगाते हुए,
बस बस छोड़ दीजिए, अब नहीं बोलना चाहता मैं आगे कुछ, क्योंकि बड़ी तकलीफ में मेरा दिल है आज, और कल से है, मैं क्या बताऊं, मैं बड़ी तकलीफ होती है वाकई। अब देखना होगा, मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी कहना चाहता हूं, मोदी साहब आपका एक वीडियो वायरल हुआ था छत्तीसगढ़ की उस सभा में जब आप कांकेर के गोविंदपुर में थे, तब एक बेटी आपकी तस्वीर बनाकर लाई थी, तब उसने आप अपने स्टेज से उसको कहा था कि बेटी मैंने तुम्हारी वो तस्वीर देखी, मैं तुम्हारी मेहनत को सलाम करता हूं। तब मैं ये उनसे कहना चाहता हूं कि मोदी जी मेहनत तो नेहा राजपूत ने भी की है, मेहनत तो कृष्णा बहन ने भी की है, मेहनत तो मेघा ने भी की है, मेहनत तो कल मेरी कैमरा पर आकर जो बहनें रो रही थी अपने हक अधिकार की बात कर रही थी उन्होंने भी की है, मेहनत तो तेजस मजीठिया ने भी की है, मेहनत दिलीप राजपूत ने भी की है, मेहनत राजू देसाई ने भी की है, मेहनत सूरज सोनी ने भी की है, मेहनत उन सैकड़ों बच्चों ने भी की है जब वो कल विद्या समीक्षा केंद्र के बाहर अपने हक अधिकार की बात करने आए थे, अपना हक अधिकार लेने आए थे, उन्होंने भी मेहनत की है। आप उस बेटी को कहते थे छत्तीसगढ़ के कांकेर में कि बेटी तुम्हारा पता लिख देना उस तस्वीर के पीछे, मैं तुम्हें चिट्ठी जरूर लिखूंगा, और पुलिस के जवानों से कह रहे थे कि उसके हाथ में जो तस्वीर हो आप मेरे तक पहुंचा दीजिएगा जरूर। तो मैं आपसे विनंती करता हूं मोदी जी कि अगर नेहा राजपूत का आपको एड्रेस चाहिए तो मैं आपको भिजवा दूंगा, आपको कृष्णा बहन का एड्रेस चाहिए मैं आपको भिजवा दूंगा, आपको तेजस मजीठिया का एड्रेस चाहिए मैं आपको भिजवा दूंगा, कल जो दो बहनें मेरे कैमरा पर आकर रो रही थी उनका एड्रेस चाहिए हम भिजवा देंगे, लेकिन आप उनको भी एक चिट्ठी लिखिए, क्योंकि उनके कलेजे कल फटे फटे से थे, कल उनके आंसू रुक नहीं रहे थे, कल वो रो रहे थे अपने हक अधिकार के लिए, कल वो जूझ रहे थे अपने हक अधिकार के लिए, कल वो घसीटे गए जमीनों पर अपने हक अधिकार की बात करने में। आप उनको भी चिट्ठी लिखिए और उनको भी सांत्वना दीजिए कि मैं आप को ये गारंटी देता हूं कि आपको कायमी नौकरी मिल जाएगी, यकीन कीजिए आपकी आपका इससे स्टेचर बढ़ेगा, आपका इससे मान सम्मान बढ़ेगा, कोई इससे कम नहीं होगा, यकीन जानिए। बहुत मुश्किल हो रहा है बोलना, लेकिन बस इतना ही इस वीडियो में, फिर कभी एक और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। खबरों के लिए बने रहिए टाइम्स ऑफ गुजरात के साथ, बहुत बहुत शुक्रिया।